हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम आपका MPSC 01 का ही एक अगला चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है भारत और दक्षिणी पूर्व एशिया। इसमें भारत और दक्षिणी पूर्वी एशिया का क्या संबंध रहा है उसके बारे में बताया गया है आपको पूरे चैप्टर में। आपका चैप्टर नेम भी यही है और मोस्टली अगर क्वेश्चन बनता है इस चैप्टर में से तो यही बनेगा आपका कि भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच क्या संबंध है या दक्षिणी पूर्व एशिया जो है कैसा देश है इसके बारे में आपसे पूछा जाता है। तो यही चीज़ें मैंने आपके इस वीडियो में ऐड करी है, इसी पर आपके क्वेश्चन बनेंगे। इसके अलावा आपके चैप्टर की और भी चीज़ें अगर रह जाती है तो वो आपको नोट्स में प्रोवाइड कर दी जाएंगी। यहाँ पे हम देख रहे हैं दक्षिणी पूर्वी एशिया के बारे में हम जानेंगे, फिर भारत से उसके संबंध क्या थे उसके बारे में हम देखेंगे। तो यहाँ पे साउथ ईस्ट एशिया की बात हो रही है तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि साउथ ईस्ट एशिया एक कैसा देश है। ये एक ऐसा देश है जहाँ पे प्राकृतिक संसाधन सबसे ज़्यादा मिलते हैं, यानी कि जो भी संसाधन होते हैं जिसकी हर व्यक्ति को ज़रूरत होती है, सबसे ज़्यादा मटेरियल्स जो होता है वो यहाँ से मिलता है हमें, साउथ ईस्ट एशिया में जो है ये पूरा भंडार कहा जाता है मतलब। तो इसके साथ अगर कोई देश संबंध बनाता है तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा उस देश को होगा, इसलिए हर देश चाहता है कि वो साउथ ईस्ट एशिया से संबंध बनाए, आसियान जो है उससे संबंध बनाए, और भारत भी इसीलिए उस पर संबंध बनाने के जोर देता है ताकि हमें जो है आर्थिक फ़ायदा हमें यहाँ से हो सके, सारे संसाधन हमें मिल सके। तो दक्षिण पूर्वी एशिया के बारे में पहले हम जान लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें जो हैं यहाँ पे हमें पाई जाती हैं। दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्र को प्राकृतिक संसाधनों की धन संपदा प्राप्त है, प्राकृतिक संसाधनों की यहाँ पर धन संपदा, यानी कि यहाँ पर जो भी नेचुरल चीज़ें होती हैं, तेल हो और भी जो ईंधन होते हैं, ये सब लकड़ी जो जितने भी लकड़ियों का यूज़ होता है किसी भी काम में वो सब यहाँ पे साउथ ईस्ट एशिया में ही मिलती है। तो सबसे पूरा भंडार इसको हम कह सकते हैं प्राकृतिक संसाधनों का। विश्व के प्राकृतिक रबर का यहाँ पे 19% है और टीन, यहाँ पे टीन जो होती है उसकी 50% पाया जाता है, और नारियल जो होते हैं उसका 75% हिस्सा जो है साउथ ईस्ट एशिया में। तो यहाँ पे हम खुद ही देख सकते हैं कि इतना संसाधन जिस देश के पास होंगे यहाँ पे, तो हर देश चाहेगा कि हम उसके साथ संबंध अपने बढ़ाएं और अपना भी विकास करते रहें साथ साथ में। तो इसीलिए भारत को जो है जोर दिया जाता है कि वो साउथ ईस्ट एशिया से अपने संबंध बनाए और अपना भी विकास करता रहे। सभी जगह पर इमारती लकड़ी और अन्य कठोर लकड़ियाँ उपलब्ध हैं, लकड़ियों का कितना यूज़ होता है हमारे यहाँ पर, तो ये सारी ही मतलब हर जगह पे यूज़ होता है, लकड़ियों का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। तो सबसे ज़्यादा जो कितनी भी तरह तरह की लकड़ियाँ होती है वो सबसे ज़्यादा साउथ ईस्ट एशिया में मिलती है। दक्षिणी पूर्व एशिया के देशों की भूमि उपजाऊ है, यहाँ की भूमि भी अच्छी है जिस पे कि हम जो है जल्दी से खेती हो जाती है, चावल उगा सकते हैं, गन्ना उगा सकते हैं, यहाँ पर मक्का, पपीता और केले की भी भरपूर फसल हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये सब जो है साउथ ईस्ट एशिया में, इतनी वहाँ की भूमि इतनी अच्छी है, संसाधन इतने मिलते हैं, और मछली पालन क्षेत्र है यहाँ पे, मछली पालन का जो क्षेत्र होता है यानी कि वहाँ पे मछलियों का बिजनेस भी होता है, और आसानी से ये सब चीज़ें मतलब वहाँ पे संसाधन प्राप्त हो जाते हैं। जहाँ की जलवायु उष्णकटिबंधीय है और यहाँ की पहाड़ों पर भी मतलब इतनी यहाँ पे संसाधन अच्छे हैं कि वहाँ के पहाड़ों की चोटियों पर भी हम जो है अपनी सब्जियाँ उगा सकते हैं। तो यहाँ पे इतना जो हम कह सकते हैं कि दक्षिणी पूर्व एशिया संसाधनों से भरपूर है, अगर कोई भी देश उसके साथ संबंध बनाता है तो उसका आसानी से यहाँ पर विकास हो सकता है, इसलिए हर कोई देश चाहता है कि वो दक्षिणी पूर्व एशिया से अपने संबंध अच्छे बना के रखे, और भारत को भी इस पे जोर दिया जाता है, इसीलिए भारत जो है इसके साथ संबंध बनाता है। और भारत और आसियान के बारे में आपका पूछा जाता है क्योंकि इसके साथ अगर संबंध की बात हो रही है तो क्या संबंध जो है हम देखते हैं कि दक्षिण पूर्व एशिया के साथ हमारे भारत के क्या संबंध उन्होंने अभी तक बनाया, कितना विकास कर पाया। तो आसियान का जन्म 1967 में हुआ, ये अगस्त में हुआ था, अगस्त 1967 में, और इसका उद्देश्य क्षेत्रीय व्यापार निवेश संयुक्त उद्यमों को बढ़ावा देना था, और ये जो है अपने क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ाने के लिए आसियान का गठन किया गया था, जिसके लिए नए बाज़ारों और निवेश के अवसरों की खोज में ये लग गया, और इसने भारत और वियतनाम के क्षेत्रीय राजनीतिक तथा सुरक्षा परिदृश्य को सशक्त बनाने की दृष्टि से संबंध बनाया। और फिर इसने जो है अपने मतलब व्यापार बढ़ाने के लिए सबसे पहले इसने भारत को देखा, तो भारत के साथ जो है इसने व्यापार संबंध बनाए, और अपना मतलब हर
जैसे कोई भी देश जो है, जैसे कंपनियां होती है अपनी खोलना चाहती है, किसी देश में निवेश करना चाहती है, तो उसने सबसे पहले जो है भारत को यहाँ पे चुना। भारत में नई सरकार ने भी उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की प्रक्रिया को अपनाकर जो है भारत ने विदेश निवेशकों को प्रोत्साहन की घोषणा की, जिससे आसियान देशों को भारत के साथ सहयोग को प्रोत्साहन मिला। जब भारत ने LPG का मॉडल अपनाया था, जिसमें कि हर दूसरी कंट्री जो है हमारे देश में आसानी से निवेश कर सकती है, हमारे अपनी कंपनी खोल सकती है, तो इसके लिए सबसे पहले इन्होंने जब ये LPG का भारत ने मॉडल अपनाया, तो आसियान ने यहाँ पे जो है अपना व्यापार यहाँ पे लेकर आए, मतलब इनके साथ आसियान के अब संबंध यहाँ पे बढ़ गए थे भारत के साथ। भारत ने अब जो है हर देश को ये छूट दे दी थी कि अब कोई भी देश कोई भी देश हमारे देश में आके अपनी कंपनी खोल सकता है या हमारे साथ व्यापार कर सकता है। तो उसके बाद से ही आसियान और भारत के संबंध यहाँ पे बढ़ गए। आसियान ने 1992 में भारत के साथ क्षेत्रीय वार्ता में व्यापार, निवेश, पर्यटन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के 4 आधारभूत सहयोग के क्षेत्रों की पहचान की थी। मतलब आसियान ने 1992 में भारत के साथ ये व्यापार करेगा और जितने भी पर्यटन क्षेत्र होते हैं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भी यहाँ पे जो है विकास करेगा और वो सब चीज़ों का लेन देन करेगा। तो भारत के साथ 1992 के बाद ये चीज़ें और सुधरती गई थी। आसियान भारत सहयोग समिति की भी यहाँ पे स्थापना की गई। समिति बनने के बाद जो है इनके संबंध और भी सुधारे जा सके, इनके जो भी व्यापार ये कर रहे हैं उनमें जो है ये बढ़ावा दे सकें, व्यापार को बढ़ावा दे सके, निवेश कर सके, इसलिए इन्होंने यहाँ पे समिति स्थापित करी जो कि इनके संबंध को भी देखेगी और इन सब चीज़ों को और प्रोत्साहित करेगी। तो भारत और आसियान के बीच सहयोग करने के लिए इसकी शुरुआत की गई। साथ ही विज्ञान और प्रौद्योगिकी, व्यापार और निवेश, मानव संसाधन विकास और संस्कृति में सहयोग क्षेत्रों की पहचान के लिए भारत आसियान का एक कार्य दल की भी स्थापना की गई और इनके और भी विकास करने के लिए फिर एक कार्य दल की भी स्थापना की गई। इसके बारे में और हम पढ़ेंगे अभी। और अगर इसके व्यापारिक संबंध देखें, ये तो हमारे आर्थिक संबंध हो गए कि इन्होंने मतलब व्यापार किया और यहाँ पे और निवेश करना यहाँ पे शुरू कर दिया। जब भारत ने जब LPG का मॉडल अपनाया था, तब बहुत से देशों के साथ उसके संबंध सुधरते गए थे, यानी बहुत से देश जो है यहाँ पे आके अपनी जब कंपनियाँ खोलने लगे और व्यापार करने लगे, निवेश करने लगे, तो भारत के कई देशों के साथ यहाँ पे संबंध खुल गए थे। आसियान के साथ सबसे पहले, उसके बाद आसियान भारत संवाद संबंध 1992 में एक क्षेत्रीय साझेदारी की स्थापना करना के साथ शुरू हुआ था। 1992 में मैंने आपको यहाँ पे बताया कि जो है व्यापार, निवेश क्षेत्र में और पर्यटन में, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र यहाँ पे खुलने लग गए थे भारत के साथ। और एशिया भारत का चौथा सबसे व्यापारिक संगठन है, यानी कि अगर हमारा जो व्यापारिक संगठन, यानी व्यापार हम अगर किसी देश के साथ करना चाहते हैं और जिससे हमें फ़ायदा मिल रहा है, तो वो हमारे लिए एशिया वहाँ पे चौथे स्थान पर है। हालांकि भारत जो है ये एशिया के चौथे स्थान पे नहीं है, ये और भी पीछे है, 7वें या 8वें स्थान पे भारत को रखा जाता है। पर एशिया जो है हमारे लिए जो है एक अच्छी, मतलब कि यहाँ से हमें व्यापार मिल सकता है, अच्छे संसाधन मिल सकते हैं, तो इसलिए व्यापार क्षेत्र में हमारे लिए एशिया जो है चौथे स्थान पर हम माने जाते हैं। राजनीतिक सहयोग की अगर बात करें, तो एशियन भारत सेंटर की स्थापना, जो AIC कहते हैं इसे, एशिया और भारत का जो है एक सेंटर यहाँ पे बनाया गया, और एशिया के बीच संगठन आर्थिक टैंक के साथ नीति अनुसंधान और नेटवर्किंग गतिविधियों को करने के लिए की गई थी। इन दोनों के बीच और भी जो है जानकारी के लिए और संबंध बढ़ाने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। वित्तीय सहायता की अगर बात करें, तो भारत एशिया भारत सहयोग कोष, एशिया भारत विज्ञान विकास कोष और एशिया भारत ग्रीन फंड जैसे विभिन्न तंत्रों के माध्यम से एशियाई देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। ये सब मतलब चीज़ें जो बनाई गई है, एशिया भारत सहयोग कोष, सहयोग के लिए वो पैसे देता है, एशिया भारत विज्ञान विकास के लिए भी यहाँ पे फंड जमा किया जाता है, तो ये सब चीज़ों से जो है एशिया और भारत आपस में वित्तीय सहायता यहाँ से ले रहे हैं, राजनीतिक सहयोग दे रहे हैं। आर्थिक सहयोग हमने देखा, यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाता है भारत और आसियान का आर्थिक सहयोग, तो उसमें आप ये पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे जो है दक्षिणी पूर्वी एशिया इतना मतलब इतने संसाधन थे उसके पास, इसलिए भारत मतलब इसके साथ सबसे पहले संबंध बनाना शुरू किया।
इसके अलावा उसने जापान के साथ, यूरोप के साथ भी बाद में संबंध बनाए थे अपने व्यापार बढ़ाने के लिए, जापान के साथ भी। तो ये सब संबंध बनाने के कारण ही जो है भारत अपना विकास कर पाया। जब ये सब और हुआ था, इसमें और भी चीज़ें आपकी ऐड हैं जो कि आपको नोट्स में प्रोवाइड की जाएंगी, जैसे कि इसमें शीत युद्ध के टाइम पे, जब शीत युद्ध समाप्त हो गया था तो अमेरिका एक मतलब कंट्री बचा था, तो उस टाइम पे भी आसियान और भारत, भारत के पास यही ऑप्शन रह गया था कि वो आसियान से अपना सपोर्ट ले। तब भी भारत ने आसियान से सपोर्ट लिया था और ये सब चीज़ें उसी टाइम में मतलब जो है विकास कर पाया था। और सबसे ज़्यादा फ़ायदा इसमें जब LPG मॉडल अपनाया गया था तब भी हुआ था। तो यहाँ तक स्टूडेंट आपको समझ में आ गया होगा। बाद में आपको इसमें यही क्वेश्चन बनेगा कि भारत और आसियान के क्या संबंध है आपस में, या फिर दक्षिणी एशिया किस कारण, पहले आपको बताया दक्षिणी एशिया किस कारण हम उसके साथ संबंध बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके प्राकृतिक संसाधन उसके पास बहुत सारे हैं, ये आपको लिखना है। और भारत और आसियान के जो है क्या क्या उनके बीच में अभी तक संधियां हुई हैं, या फिर क्या क्या जो है व्यापार के लिए उन्होंने आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या किया है उन्होंने अभी तक। तो आसियान भारत सहयोग समिति की स्थापना यहाँ पर की गई है और 1992 के बाद से व्यापार क्षेत्र बढ़ाया, विज्ञान प्रौद्योगिकी क्षेत्र बढ़ाया और LPG का मॉडल अपनाने के कारण ही आसियान और भारत के संबंध जो है सुधरे हैं उसके बाद। तो ये आपको यहाँ पे लिखना है। और इसके और भी स्टूडेंट अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो वो आपको नोट्स में प्रोवाइड होंगे, वो आप हमसे WhatsApp पे DM करके ले सकते हैं। यहाँ तक अगर आपको स्टूडेंट वीडियो अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया हो हमारा चैप्टर, तो आप जो है वीडियो को लाइक करें और आप हमें कमेंट में भी बता सकते हैं, आपका रिव्यू दे सकते हैं, या फिर आपका कोई भी नेक्स्ट टॉपिक हो उस पर आप हमें बता सकते हैं।